कुकिंग आवर एंड व्लॉग्स बहुत ही यूज़फुल टिप्स शेयर करेगा आज की इस वीडियो में। आज कुकिंग आवर एंड व्लॉग्स आपके साथ जले हुए बर्तन को घरेलू टोटका इस्तेमाल करके किस तरह साफ़ कर सकते हैं बिल्कुल नए जैसे बर्तन लगेंगे इस टिप को इस्तेमाल करने के बाद। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। इस ट्रिक्स को इस्तेमाल करके आप कोई भी पुरानी से पुरानी लोहे की कढ़ाई को 2 मिनट में चमका सकते हैं। लोहे की कढ़ाई को सिल्वर की कढ़ाई का कलर किस तरीके से दे सकते हैं, क्या तरीकाकार है, मुकम्मल गाइड किया जाएगा। टिप्स जानने के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। जिस कढ़ाई को आपने साफ़ करना है, जिसका कलर बिल्कुल काला हो चुका है, इसके अंदर नॉर्मल पानी ऐड कर देना है और 1 चम्मच टाटरी ऐड कर देनी है और मिक्स कर देना है और 1 दिन के लिए इसको पड़ा रहने देना है। 1 दिन गुजरने के बाद कढ़ाई में मौजूद पानी का कलर चेंज हो जाएगा। कढ़ाई में मौजूद पानी को फेंक देना है। तो अब आप देखेंगे कि कढ़ाई में जहाँ तक टाटरी वाला पानी ऐड था, इस जगह से कढ़ाई साफ़ हो चुकी है। इसके बाद आपने बर्तन धोने वाला साबुन ले लेना है और थोड़ा सा चूना ऐड कर देना है और बर्तन धोने वाली कूची से इसे अच्छी तरह धोना है। 2 से 3 मिनट तक तकरीबन इसे धोएंगे और इसका कलर बिल्कुल नए जैसा निकल आएगा, एकदम चमक कर नए जैसी लगेगी। पुरानी से पुरानी जंग लगी हुई जली हुई काली कढ़ाई किस तरीके से इस ट्रिक्स को इस्तेमाल करके नया जैसा बनाया जा सकता है, मुकम्मल गाइड कर दिया। आप भी इस ट्रिक को इस्तेमाल करके अपना फीडबैक कमेंट में दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।